अलग ही नाता है। ये कहानियां ही तो हैं जो जिंदगी की छोटी से छोटी सी बड़े ही सहज और सरल तरीके से दे जाती है, और इसी सीख पर निर्भर करता है बच्चों का व्यक्तित्व। ये इन कहानियों का जादू ही है जो बच्चों को जीवन भर भूलने नहीं देगा कि जिंदगी में नैतिक मूल्यों का होना कितना जरूरी है। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनते हैं। बालू और लोमड़ी की कहानी। एक बार जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होकर मनुष्य के बारे में बात कर रहे थे। एक बालू मनुष्य के प्रति अपने अत्यधिक प्यार और सम्मान की बातें बढ़ चढ़कर बखान कर रहा था। वह बोला, मैं मनुष्य से प्यार करता हूँ। कई मनुष्य मेरे दोस्त हैं और वे भी मुझे प्यार करते हैं। अब हमारे बीच का प्यार इतना गहरा हो गया है कि लोग मुझसे डरते नहीं हैं। सारे जानवर दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रहे थे। बालू बोले जा रहा था कि उसने कभी किसी मनुष्य की लाश को नोचना तो दूर, चूहा तक नहीं। लोमड़ी पे इस बड़ बोले जानवर की बातें सुन रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, अगर तुम ये कहते कि तुमने कभी किसी मनुष्य को जिंदा नहीं खाया है, तब बात में ज्यादा जन दम रहता। किसी के प्रति आदर जताने के लिए हमें उसके मरने तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।